नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल के एसएन सीरीज़ के बारे में। एसएन सीरीज़ क्रिस्टल ने नई लॉन्च की है, जो कि पहले जेडएक्स सीरीज़ आती थी, तो जेडएक्स सीरीज़ को रिप्लेस करते हुए क्रिस्टल ने जो है एसएन सीरीज़ लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर जो मॉडल्स हैं एसएन 24, दैट मीन्स कि 24 पोर्ट्स का सिस्टम है, जिसमें कि आप 6 कार्ड्स लगा सकते हैं 4 पोर्ट ईच के, यानी 6 कार्ड्स आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा जो है उन्होंने जेडएक्स जो है 40 की सीरीज लॉन्च की है। जेडएक्स 40 का मतलब है कि आप 40 पोर्ट का सिस्टम है ये, और फिर देन जेडएक्स जो 40 है उसकी जगह अब जो मॉडल है वो एसएन 40 है, जैसा कि आपके सामने आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो ये हमारा मॉडल है एसएन 40, और जो तीसरा मॉडल है वो एसएन 64 मॉडल है। तो एसएन 64 मतलब 64 पोर्ट का मॉडल है, जिसमें कि आप मल्टीपल कम्बिनेशंस बना सकते हैं, मैक्सिमम 10 टेलीफोन लाइंस आप आउटसाइड लाइंस जो है आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसका एक तो इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे कि कैसे इसमें ये किस तरह से कम्बिनेशन या कैसे हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम हमें सुटेबल है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या क्या फ़ीचर्स इसके अंदर इनबिल्ट अवेलेबल हैं और कौन से फ़ीचर्स हम ये एक्स्ट्रा एड ऑन इसके साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर सिस्टम हमारे पास एक सिस्टम है जिस जो कि है एसएन 40। ये एसएन 40 सिस्टम है। आप फिज़िकली अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसमें ट्रंक लाइंस का ऑप्शन अवेलेबल है। ये 6 लाइंस यहाँ पर मेंशनड हैं, और यहाँ पर एक रन की एलईडी है, ये पावर की एलईडी है, और ये डे मोड और नाइट मोड, यानी दैट मीन्स नाइट मोड की एलईडी है, और यहाँ पर क्रिस्टल की ब्रांडिंग है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार ओपन करके देखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल है किस तरीके से। तो ये जब बेसिकली ये सिस्टम आता है तो इसमें सिस्टम इट्स ए ब्लैंक, यानी इसमें कोई भी कार्ड्स कनेक्ट नहीं होता है, और यहाँ पर आपके पास केवल एक मदरबोर्ड होता है, और केवल आपके पास एक ये जो आपकी डीसी टू डीसी सप्लाई होती है, इसके साथ एक 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई आपको कनेक्ट करनी पड़ती है, और यहाँ पर ये 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई अदर सप्लाईज में कन्वर्ट करके आपके मदरबोर्ड को सप्लाई कर देती है। तो इसमें दो तरह के कार्ड्स मेनली आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम पहले एक कार्ड आपको शो कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लगाया हुआ है कार्ड। ये फर्स्ट पहला स्लॉट है। पहला स्लॉट का मतलब कि जो सबसे पहले फर्स्ट स्लॉट आपका, आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पर दो रिलेज कनेक्टेड हैं जो कि PFT रिलेज भी हैं, और ये आपका जो है आपके 3 एक्सटेंशंस कनेक्टेड हैं, तो दैट मीन्स 3 एक्सटेंशंस और 1 टेलीफोन लाइन। तो ये इस तरह का कम्बिनेशन है, दिस इज़ 103, यानी एक टेलीफोन लाइन SMD सारे डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं 103। तो ये स्लॉट बेस्ड सिस्टम है कि आप सीधा इसे स्लॉट में लगा सकते हैं, और इसमें ये कार्ड तो हमारा 103 का है, और अदर कार्ड जिसमें कि देखेंगे आप ये 3 एक टाइप के ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, एंड दिस इज़ ए ट्रंक ट्रांसफार्मर। ये हमारा एक ट्रंक ट्रांसफार्मर है, 3 हमारे एक्सटेंशन ट्रांसफार्मर है, ये दैट मीन्स कि इसके अंदर हम एक टेलीफोन लाइन और 3 एक्सटेंशन कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इसमें दूसरे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, जो कि अगर आप इसमें ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास कार्ड अवेलेबल है जिसमें कि 4 एक्सटेंशंस अवेलेबल है, सेम टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर 4 हैं, और जो है इसमें ट्रंक कोई भी नहीं है, ये भी SMD है। तो सबसे पहले हम इसके इंटरनल कार्ड सिस्टम के बारे में एक बार समझते हैं कि इसका इंटरनल कार्ड सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये जो हमारे इसमें ये हमारे पास SN 40 सिस्टम है। 40 का मतलब है कि आप इसमें 10 कार्ड्स कनेक्ट कर सकते हैं, 10 कार्ड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारे इसमें टोटल 10 कार्ड्स कनेक्टेड हैं, और फर्स्ट कार्ड ये वाला जो कार्ड है पहला कार्ड होता है, और फिर देन सेकंड, फिर देन थर्ड, इस तरीके से। तो अगर सपोज़ आपके पास एक टेलीफोन लाइन है और 3 एक्सटेंशंस आपको कनेक्ट करने हैं कार्ड में, तो आपको पहला कार्ड यहाँ पर लगाना होगा, यानी सबसे पहला कार्ड ये होगा, और फिर जो नेक्स्ट कार्ड होगा वो भी अगर आपके पास ट्रंक लाइंस की फैसिलिटी अवेलेबल है तो फिर आप दूसरा कार्ड भी ट्रंक कार्ड लगाएंगे, ट्रंक और एक्सटेंशन का कम्बिनेशन, जो कि हाइब्रिड कार्ड है, दैट मीन्स कि 1 ट्रंक एंड 3 एक्सटेंशंस, और इसके बाद आप कार्ड जो है 4 एक्सटेंशंस के आप लगा सकते हैं, और चाहें आप जितने भी मैक्सिमम कार्ड्स 4 एक्सटेंशंस के लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें ट्रंक लाइंस की आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर थर्ड कार्ड भी ट्रंक में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें जो कम्बिनेशंस हैं वो मल्टीपल कम्बिनेशंस बन जाते हैं। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशंस हैं
वो 201 से स्टार्ट होते हैं, 201, 202, 203 ऑनवर्ड्स। और इसी तरीके से जो ट्रंक लाइन एक्सिस है, ट्रंक लाइन मतलब बाहर की जो लाइन है, वो 601 से मिलती है, 602 से मिलती है, 603 से मिलती है, लाइक दैट। अगर आपके पास तीन टेलीफोन लाइन है तो पहली 601 से मिलेगी, दूसरी 602 से और तीसरी 603 से। साथ में ग्रुपिंग भी बना सकते हैं 0 और 5 की, यानी आपको अगर अलग अलग ग्रुपिंग बनाना है कि कुछ लाइन्स को 0 से एक्सेस करना है, कुछ लाइन को 5 से एक्सेस करना है, तो वो भी इसके अंदर कम्बिनेशन पॉसिबल है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें एक ये यहाँ पर एक जैक मेंशन है, इस पर अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर वन मेंशन है, तो दैट मीन्स कि ये फर्स्ट कार्ड के लिए ये पोर्ट अवेलेबल है। इसके अंदर चार जो है कम्बिनेशन फोर पोर्ट्स निकलते हैं, जिसमें कि अभी हमारे जो अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक ट्रंक और तीन एक्सटेंशन का कार्ड लगाया है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से तीन एक्सटेंशंस निकलेंगे और एक ट्रंक जो है इनपुट होगी। तो एक्सटेंशंस होंगे इसमें 201, 202, 203 बाय डिफ़ॉल्ट, और जो ट्रंक लाइन होगी दैट विल बी 601। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर राइट साइड में यहाँ पर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर कम्बिनेशन में इन्होंने डिफरेंट सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी देखिए, यानी यहाँ पर टू अगर सेकंड कार्ड है तो उसका आउटपुट और इनपुट यहाँ पर होगा, थर्ड कार्ड है उसका यहाँ पर आउटपुट होगा। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल्स इसमें कम्बिनेशन बना सकते हैं अप टू 10 पोर्ट्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे लास्ट वाला जो है हमारा ये 10 पोर्ट है, तो 10 पोर्ट का सिस्टम है, तो 10 जो है इसमें कार्ड्स आप इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम एक बार इसको सिस्टम को ऑन करके देखते हैं और फिर इसके बाद वन बाय वन इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें फ़ीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। अब ये हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है, कुछ इस तरह का इंडिकेशन इसमें आता है। अगर आप इसमें इसके मेन बोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पर एक रन की एलईडी ये ब्लिंक करती हुई नज़र आएगी आपको, और पावर की एलईडी जो है कंटिन्यूस रेड शो करेगी। और अब यहाँ पर आप देखिए ये सिंक्रोनाइजेशन होता है कि यानी सारी एलईडीज जो है सेम टाइम में ग्लो करती हैं, दैट मीन्स कि आपका सिस्टम वर्किंग है। तो अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक्सटेंशन जो कनेक्ट किया हुआ है, ये 202 एक्सटेंशन है, जो देखिए वो 202 पे हमारी कॉल रिंग हो रही है। तो 202 और 203 हमने एक्सटेंशन यहाँ पर दो कनेक्ट किए हुए हैं। और अब इसमें जो ग्रुपिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0 और 5 की ग्रुपिंग पॉसिबल है। इसके अंदर जो CLI है, कॉलर ID का जो फॉर्मेट है, वो DTMF और FSK दोनों अवेलेबल है। कॉल पिकअप इसके अंदर 4 से आप कर सकते हैं, कोई भी एक्सटेंशन रिंग हो रहा है तो आप उसको 4 से उठा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन मैं यहाँ पर रिंग करता हूँ सपोज़, तो ये हमारा एक्सटेंशन रिंग जा रहा है और मैं यहाँ से 4 हेलो देखिए आवाज़ आ रही है, तो दैट मीन्स कि हमारे 4 प्रेस करके हम कोई भी कॉल पिक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें ऑटो कॉल बैक का फीचर अवेलेबल होता है कि अगर सपोज़ कोई एक्सटेंशन बिजी है तो आप ऑटो कॉल बैक का कोड भी प्रेस कर सकते हैं, जो कि 7 होता है, और उसको प्रेस करके फ़ोन रख सकते हैं। तो जब भी वो फ़ोन फ्री होगा तो ऑटोमेटिकली कॉल आपके पास रिंग हो जाएगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसके फीचर्स काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं और उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम इसके लिए स्पेंड करना पड़ेगा। इसमें जो है कॉल ट्रांसफ़र की फैसिलिटी वही सेम, जैसे कि फ्लैश करके एक्सटेंशन नंबर जो सभी PBXs में होती है वही है। प्लस इसमें कॉल पार्क भी कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब की फैसिलिटी अवेलेबल है, कि मीन्स आप कोई भी कॉल अगर आप चाहें तो आप अपने एक्सटेंशन को डू नॉट डिस्टर्ब फीचर पे इनेबल कर सकते हैं और कोई भी एक्सटेंशन आपको कॉल करेगा तो उसको जो है एरर टोन मिलेगी। कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, इवन दो यू कैन डू द एक्सटर्नल कॉल फॉरवर्डिंग ऑल्सो, तो यानी बिजी के केस में कर सकते हैं, नो रिप्लाई के केस में कर सकते हैं, और अगर आप एक्सटर्नल कॉल फॉरवर्ड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और साथ में हॉटलाइन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि आप इसको जैसे ही आप फ़ोन पिक करें तो ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स के बाद वो टाइम भी आपका इसके अंदर प्रोग्रामेबल है और दूसरे एक्सटेंशन पर आपके पास रिंग जानी शुरू हो जाएगी। साथ में डायनेमिक लॉक की फैसिलिटी अवेलेबल है, कि दैट मीन्स कि आप अपने एक्सटेंशन को लॉक भी कर सकते हैं, जब तक आप चाहें तो आप अपने एक्सटेंशन को यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। अब जो है वैसे इसमें जो है ग्लोबल डायरेक्टरी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, दैट मीन्स कि इसमें मेमोरी में भी आप नंबर इसमें सेव कर सकते हैं, जो कि आपको किसी भी एक्सटेंशन से बिना सिर्फ कोड डायल करके किए जा सकते हैं। बार्जिन की फैसिलिटी अवेलेबल है, मॉनिटर की फैसिलिटी अवेलेबल है, कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी, 3-पार्टी कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इसी तरीके से वेलकम मैसेज की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि एक ऑप्शनल है, यानी ऑप्शनल कार्ड लगा के आप जो है वेलकम मैसेज आप ऑन कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या है कि आपको कोई भी कम्बिनेशन, दैट मीन्स कि नॉट नेसेसरी, अगर आप चाहते हैं जैसे ZX SN40 है, तो इसके अंदर अगर आप 40 के 40 नॉर्मल इंटरकॉम्स यूज़ करना चाहें तो भी पॉसिबल है कि आप 40 के 40 इंटरकॉम यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि नो कंपलसरीशन है कि कोई कि आप 103 के कार्ड लगाते हैं। आप चाहें तो ये जो कार्ड्स हमने यहाँ पर लगाए हैं 103 के,
यहाँ पर भी 4x4 एक्सटेंशन के कार्ड लगा सकते हैं और 10 के 10 कार्ड जो है आप 4 एक्सटेंशन के लगा सकते हैं और आपको टोटल इसमें एक्सटेंशन फिर आपको 40 मिल जाएंगे। तो यानी अगर इसका हम कॉम्बिनेशन देखें तो अगर हम टोटल एक्सटेंशन यूज़ करना चाहें तो मैक्सिमम 40 एक्सटेंशन है। अगर हम एक ट्रंक यूज़ करना चाहें तो हम इसके अंदर ये क्योंकि हमारा ये SN40 मॉडल है तो एक ट्रंक के साथ हमारा जो कम्बिनेशन इसके अंदर बनता है वो है 1x39। इसी तरीके से 2x38 बना सकते हैं, 3x37 बना सकते हैं। टोटल पोर्ट्स जो है आपके 40 ही रहेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो पहला एक्सटेंशन है यहाँ पर जो पहला पोर्ट है जो पहले कार्ड का स्लॉट है वहाँ पर 201, 202 और 203 ये एक्सटेंशन आपके साथ निकलेगा। और अगर आपने यहाँ पर एक ट्रंक यूज़ की हुई है तो इसके साथ जो ट्रंक पोर्ट निकलेगा दैट विल बी 601, यानी 601 यहाँ से निकलेगा। अगर आपने दो ट्रंक के जो हाइब्रिड कार्ड यूज़ किए हैं तो सेकंड पोर्ट पे यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका एक्सटेंशन नंबर 204, 205, 206 मिलेगा और जो है ट्रंक पोर्ट नंबर 602 मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसमें तो मैक्सिमम आप जो है 10 ट्रंक कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम के साथ। और इसमें जो है आप चाहें तो की फ़ोन भी ऑप्शनल फैसिलिटी अवेलेबल है, आप चाहें तो की फ़ोन भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और रिडायल की फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसा कि मैंने बताया कि DTMF और FSK दोनों ही हमारा जो है सिस्टम कंपैटिबल है। और इसमें आप अगर चाहें तो इसके अंदर जो है हॉटलाइन फंक्शन को इजीली यूज़ कर सकते हैं, डे नाइट मोड को यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक डे नाइट मोड भी यूज़ कर सकते हैं। अलार्म की फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल है, दैट मीन्स कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइम का अलार्म फीड करना चाहें तो उसमें वन टाइम अलार्म भी है, रिपीट डेली अलार्म भी है और रिमोट अलार्म की फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल है। और साथ में ग्लोबल डायरेक्टरी जो है इसके अंदर वो भी अवेलेबल है, जो कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 395 नंबर्स की मेमोरी अवेलेबल है, 395 नंबर और वो भी 3 स्लॉट्स में। दैट मीन्स कि हम मेमोरी लोकेशन अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसको ये हमारे नंबर्स डायल हों, दूसरे ग्रुप को हमारे दूसरे नंबर्स डायल हों। तो इस तरीके से इसमें 3 ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं और बार्जिन फैसिलिटी का भी यूज़ किया जा सकता है। जिस एक्सटेंशन पे भी हम बार्जिन फैसिलिटी यूज़ करते हैं तो वहाँ से आप जो है अपनी उस किसी भी कॉल को इंटरप्ट कर सकते हैं। और इसमें बाकी जो और फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं वो वॉइस मैसेज का फीचर अवेलेबल है वॉइस, लेकिन उसके लिए आपको जो है एक ऑप्शनल कार्ड इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसमें कि आप जो है वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो उसमें अलग अलग डिफरेंट आप वॉइसेस इसके अंदर डाल सकते हैं। सिंगल पोर्ट का जो है इसमें वॉइस मैसेज आप इसमें 32 सेकंड का मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसमें डे के लिए आप अलग मैसेज कर सकते हैं, नाइट के लिए अलग कर सकते हैं, लंच के लिए अलग कर सकते हैं, साथ में बिजी का मैसेज, नो रिप्लाई का मैसेज जो कि 16 सेकंड्स का होता है या रॉन्ग मैसेज वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से और साथ में इसके अंदर दो जो है रिले पोर्ट जो भी अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो उसको भी आप यूज़ किसी भी स्मार्ट डिवाइसेस को एक्टिवेट करने के लिए आप इसमें कर सकते हैं। और कॉन्फ्रेंस जो है सुपरवाइज्ड भी है और अनसुपरवाइज्ड कॉन्फ्रेंस भी इसके अंदर अवेलेबल है। साथ में आप जो है वॉकिंग क्लास ऑफ सर्विस को भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप अगर किसी दूसरे एक्सटेंशन पर चाहते हैं और आप वहाँ से आप अपनी फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं, अपने एक्सटेंशन की फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी ईजिली आप दूसरे एक्सटेंशन पर जाके यूज़ कर सकते हैं। और इसमें नंबर्स जो है वो फ्लेक्सिबल आप बना सकते हैं, किसी भी जैसे आप होटल में लगाते हैं या किसी भी आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगाते हैं या फिर मल्टी फ्लोर बिल्डिंग में आप इसको लगाते हैं, तो आप अलग अलग सीरीज से आप इसके नंबर्स बना सकते हैं। दैट मीन्स कि आप चाहें तो 101 से बना सकते हैं, आप चाहें तो 201 से बना सकते हैं। दैट मीन्स फ्लेक्सिबल नंबरिंग यू कैन डू, आप चाहें तो सिंगल डिजिट में भी नंबर अपना रख सकते हैं। तो दैट मीन्स कि उसको हम एक बार प्रैक्टिकली आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाएंगे कि कैसे इसके अंदर फ्लेक्सिबल नंबरिंग की जा सकती है, कैसे आप इसके पोर्ट आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे आप इसके पोर्ट को क्लियर कर सकते हैं और नए एक्सटेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिएगा जिससे कि आपको हम डिटेल में आपको इसका जो है फ्लेक्सिबल नंबरिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।